सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पे। दोस्तों यहां पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की यहां पर मैं आपके कुछ लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए लेकर के आया हूं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यानी कि गुणनफल यानी गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, कहीं पर पूर्ण घन संख्या आपको बताना है, कहीं पर पूर्ण संख्या क्या है, कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है उसको सिद्ध करना है, कहीं पर घनमूल ज्ञात करना है आपको, वहीं पर कहीं पर छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 से गुणा करने पे इतना 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 प्राप्त हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी वर्गमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, गुणनफल विधि से, गुणनखंड विधि से, तो इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, ठीक है ना साथियों। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाले जितने भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के साथी है, जी हां जितने भी साथी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के उन सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि सभी साथी लगभग इसी टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। जी हाँ साथियों, पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ है वो क्या दिया गया है, यानी क्या 64 एक पूर्ण संख्या है सिद्ध करना है, यानी कि जो 64 है वो क्या पूर्ण संख्या है। तो इसका हम पहले गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 64 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 64 लिख लेंगे तो कितने से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा क्योंकि सम संख्या है, ठीक है ना। 4 पीछे लगा सम संख्या है, तो 2 का पहाड़ इतनी बार पढ़ो कि 6 से ज्यादा ना हो। 2 3 6, 2 2 4, ठीक है ना, 32 2 64 आ गया। फिर 2 से हम काट लेंगे इसको, 2 1 2, ठीक है ना। तो कितनी बार, 2 6 12, ठीक है ना। 3 से 1 इधर आएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 कट गया 16 बचा, ठीक है ना। 2 फिर 2 से कट जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी साथी देख सकते हो कितने के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या दिखाना, एक मिनट, पूर्ण घन बताना, ठीक है ना, पूर्ण घन बताना। तो यहाँ पर साथियों घन जो है वो छूट गया है, तो घन लिख लिया हमने। तो घन बताना मतलब घन क्या होता है, 3 3 के होते हैं ना, 3 के जोड़े। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं अपना कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना। 3 3 का जोड़ा बन गया हमारा, यानी ये 3 का जोड़ा और ये 1 जोड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों हम दोनों जोड़े से क्या कर लेंगे, दोनों जोड़े जो हमारे होंगे उनमें से हम एक एक ले लेंगे, ठीक है ना। उनमें से क्या ले लेंगे, हम एक एक ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 × 2, तो 2 2 9 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। 2 2 9 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4 का क्या क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या है, 4 × 16 = 64, यानी कि दोस्तों ये जो हमारी 64 है ये पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना। पूर्ण घन संख्या जो 64 आ जाएगी हमारी, ये क्या आ जाएगी, पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। अतः यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, इस तरह से अगर हम लिख भी देंगे तो एग्जामिनर अच्छे से खुश भी हो जाएगा, नंबर भी आपको दे देगा अच्छे से। अतः 64 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका दोस्तों, ठीक है ना। प्रश्न जो है वो आप सभी के सामने आ चुका है कि क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है, जो 216 है क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो इसको भी हमको गुणनफल गुणनखंड विधि से सिद्ध करना पड़ेगा। तो 216 इधर लिख लेंगे हम और इसके हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो कितने से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, यानी 2 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16, तो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं हम, 0 लगा के 108 2 216 हो गया। फिर 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 से काट लेंगे तो 54 2 कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद फिर हम 2 से काट लेंगे, 2 2 4 एक बचा 11, 2 7 14 27 2 54, फिर 2 से सॉरी फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, ठीक है ना, 3 से कटेगा क्योंकि विषम संख्या आ गई। तो 9 3 27 होता है, ठीक है ना, 9 3 27 होता है। फिर हमारा 3 से कट जाएगा, 3 3 9 होता है। फिर हमारा 3 से कट जाएगा, 3 1 3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो 3 जोड़े बन गए, एक जोड़ा आपका 2 2 का बन गया, एक जोड़ा आपका 3 का बन गया। तो यहाँ पर यानी कि हमको किसके निकालना है, 216 का बताना है चूंकि, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग जोड़े बन गए क्योंकि क्या बताना है, पूर्ण घन संख्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 इतना इतना इतना, ठीक है।
तो यहां पर साथियों अब हमको क्या करना है, यहां से एक दो लेना नाम का, यहां से एक तीन लेना है, तो दो ले लेंगे गुड़े का, तीन ले लेंगे, तीन यहां से ले लिया तो हमने, तो दो तिहाई कितना हो गया, छह हो गया, यानी छह का क्यूब छ छह छत्तीस, छक्का 216, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यानी जो 216 है वो निश्चित रूप से एक पूर्ण घन संख्या है, चूंकि 16 छह आ रहा है, छह का क्यूब करेंगे लोग, छह छहाक छत्तीस छक्का 216, ये हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है 8000, ठीक है ना, 8000 घन मूल ज्ञात करिए, 8000 का घन मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसको सिद्ध करना हमने अपने पास लगा दिया कि आप सिद्ध भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए क्वेश्चन जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 8000 का घनमूल ज्ञात करने के लिए सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे, कितना करेंगे, 8000 लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको दो से चला जाएगा ये, ठीक है ना, दो चौके आठ हो जाएगा, यानी 4000 दुनिया कितना होता है, 8000 होता है, फिर दो से चला जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है ना, 2000 फिर दो से चला जाएगा, 1000 दुनिया कितना होता है, 2000 होता है, फिर दो से चला जाएगा, 500 दुना कितना होता है, 1000 होता है, फिर दो से चला जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 दुना 500 होता है, फिर दो से चला जाएगा, फिर 202 से चला जाएगा, यानी 125 दुना कितना होता है, 250 होता है, फिर ये दो से चला जाएगा, सॉरी फिर पाँच से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाँच आ गया संख्या के पीछे, ठीक है ना, तो पाँच से ही, पाँच वाली जितनी जिन भी संख्याओं के पीछे पाँच होगा, इस तरह आप देख सकते हैं, जिन भी संख्याओं के पीछे पाँच होगा तो वो या तो जीरो से कटेंगी या तो दो पाँच से कटेंगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर जीरो से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, पाँच से कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप पाँच से काटेंगे तो 25 पंचे होता है 125, ठीक है ना, 25 से कट जाएगा, उसके बाद पाँच एकम पाँच हो जाएगा, फिर पाँच हमारा फिर एक बार कट जाएगा, किससे हो जाएगा, पाँच एकम पाँच हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो हमारा यहाँ जो 8000 है, 8000 ठीक है, 8000 हमको चूंकि घन मूल बताना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर तीन जोड़ा, यहाँ पर तीन जोड़ा और पाँच, यहाँ पर दो और एक यहाँ पर आपका जोड़ा, यानी तीन बन रहा है, यानी दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच, ठीक है ना, तीन तीन का जोड़ा यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, क्योंकि घन इनको ज्ञात करना, तो तीन तीन का जोड़ा, और वर्ग करेंगे तो दो दो का जोड़ा होता है, ठीक है ना, वर्ग करेंगे तो दो दो का जोड़ा और घन करेंगे तो तीन तीन का जोड़ा, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से क्लियरली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना एक यहाँ से दो ले लेंगे, ठीक है ना, एक यहाँ से हमने दो ले लिया, एक यहाँ से हमको दो ले लेना, एक पाँच यहाँ से लेना नहीं, यानी दो गुड़े दो गुड़े पाँच, तो यहाँ पर देखेंगे दो दुनी चार पंचे बीस, ठीक है ना, तो 20 ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब हो जाएगा, यानी 20 का 20 गुड़े 20 गुड़े 20 करेंगे तब कितना आ जाता है दोस्तों, 8000 हमारा आ जाता है, कितना आ जाता है, 8000, यानी कि जो 8000 है, 8000 है उसका जो घनमूल निकल के आएगा वो 20 निकल के आएगा, 8000 का जो घन मूल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा, यानी 20 का घन करेंगे, 20 का क्यूब करेंगे तो वहां पर कितना हो जाएगा, 20 गुड़े 20 गुड़े 20, 20 विसंयम इतना और 20 विसंयम, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। गुणनफल क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, यानी वह छोटी से छोटी हमको संख्या ज्ञात करना है, वह छोटी से छोटी हमको संख्या ज्ञात करना है जिसमें हम 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी हाँ सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम करेंगे जो हमारा 1890 दिया गया, 1890 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम 1890 का अपना वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, जैसा भी ऊपर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं 1890, इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से देखेंगे हम लोग, दो से चला जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना, जिन भी संख्याओं के पीछे जीरो होता है या सम संख्या दो होता है, ठीक है, सम संख्या होती है तो हमारी सारी की सारी संख्या दो से ही डिवाइड हो जाती है, दो से कट जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो नवा 18 हो जाएगा, दो चौके 8 जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी 945, ठीक है ना, 945 दुना कितना हो जाएगा, 1890 हो जाएगा, फिर हमारा संख्या जो कट जाएगी वो 3 से कट जाएगी, 3 तराकी हो जाएगा 9, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 और 25 15 हो जाएगा, 315 से कट जाएगा, उसके बाद हमारा फिर से हमारी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से कटेगी तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 0 105 हो जाएगा, ठीक है ना, 105 तिहाई कितना होता है, 315 हो जाएगा, फिर हमारी संख्या किससे कट जाएगी साथियों, फिर हमारी संख्या किससे कट जाएगी, फिर हमारी संख्या कट जाएगी दोस्तों 3 से, ठीक है ना, 3 से जब कटेगी तो 35 तिहाई कितना होता है, 35 तिहाई होता है कितना, 105, ठीक है ना, 35 तिहाई 105 होता है, और उसके बाद हमारा फिर यहाँ से जो संख्या हमारी कटेगी वो 5 से कटेगी, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, फिर हमारा संख्या कट जाएगी 7 एकम 7, तो यहाँ पर हम दोस्तों ये देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इसका जो हमारे गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं, 2 गुड़े 3
गुड़े तीन, ठीक है ना, दो गुड़े तीन, गुड़े तीन, गुड़े पांच, गुड़े सात। तो यहां पर दोस्तों हम देखते हैं, चूंकि हमको यहां पर ज्ञात क्या करना है कि पूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग यानी कि घन नहीं बताया गया। घन में क्या लेते थे, तीन तीन के जोड़े लेते थे, लेकिन वर्ग में क्या करेंगे हम, दो के जोड़े लेंगे। तो दो का तीन, एक ही जोड़ा हमारा बनना है तीन तीन का, ठीक है ना, एक ही हमारा जोड़ा बनना है, बाकी तीन फिर तीन साथ नहीं मिल, साथ में नहीं मिल पा रहा, पांच फिर पांच के और जोड़े नहीं मिल पा रहे, सात के भी जोड़े नहीं मिल पा रहे, दो के नहीं मिल, सिर्फ तीन एक ऐसा जोड़ा है तीन तीन का, यही एक ऐसा जोड़ा है जो मिल पा रहा है, ठीक है ना, यही एक ऐसा जोड़ा जो मिल पा रहा है, यानी पूर्ण वर्ग बताना। तो वर्ग में हमने बताया था आपको दो दो के जोड़े लिए जाते हैं, और घन में आपको कितने लिए जाते हैं, तीन तीन के जोड़े लिए जाते हैं। तो यहां पर हमारा तीन तीन का दो जोड़े आ गए, यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो हमारा दो तीन पांच सात ऐसे अभाज्य गुणनखंड हैं जिनका जोड़ा नहीं है, ठीक है ना, दो तीन पांच यानी जो हमारे बच रहे हैं, दो बच रहा है, तीन बच रहा है, पांच बच रहा है, सात बच रहा, ये ऐसे अभाज्य गुणनखंड हैं जिनका जोड़ा नहीं है। यदि हम इन गुणनखंडों में क्या करेंगे, दो तीन पांच सात से गुणा कर दें, यानी इन गुणनखंडों में हम क्या करें, दो तीन पांच सात से, यानी यही जो हमारे अभाज्य गुणनखंड, इन्हीं से हम गुणा कर देते हैं, तो इन सभी के जोड़े बन जाएंगे, ठीक है ना, अगर हम गुणा कर देंगे तो इन सभी के जोड़े बन जाएंगे, और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी बन जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो गुणे तीन गुणे पांच गुणे सात, ठीक है ना, यानी कि अगर इन्हीं की संख्याओं को हम कह सकते हैं कि दो गुड़े तीन, हम बची वाली संख्याओं की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, दो गुड़े तीन गुड़े पांच गुड़े सात, अगर हम इनका गुड़ा करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से जो हमारा गुड़ा आएगा वो 270 आएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अब जब 270, सॉरी एक मिनट, 210 आएगा, 270 नहीं, 210 आएगा, ठीक है ना, 210 आ जाएगा, दो तिहाई छः, छः पंचे तीस, तीस सत्ते 210, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर 7 * 3 = 210, जी हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 210 आ जाएगा हमारा। अब 210, ठीक है ना, 210 यानी हमारा जो अतः जो यदि यदि 210 से गुणा करें तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो हमारा गुणनफल है, ठीक है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल जो आएगा पूर्ण प्राप्त होगा। यानी कि 1890 में यदि हम 210 से गुणा कर देंगे, 210 से गुणा कर देंगे तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो वह छोटी से छोटी हमको संख्या ज्ञात करना था, तो वह छोटी से छोटी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी हमारी 210, छोटी से छोटी संख्या हमारी 210 हो जाएगी, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या दिया गया है, संख्या 1024 का, 1024 का वर्गमूल होगा, संख्या 1024 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो फटाफट से जिन भी साथियों को पता है यार जल्दी से बता दें, तो इसके लिए सभी को पता है क्या करना होता है, ठीक है ना, इसके लिए एक मिनट थोड़ा सा इधर जगह बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना होता है, आप सभी को पता है यार, आप सभी को पता है क्या करना होता है, सबसे पहले हम 1024 जो दिया गया है उसका क्या निकालेंगे हम, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, दो से चला जाएगा, दो से जब जाएगा तो 512, दो पंची 10 और 12 * 2 = 24, 512 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर दो से हम इसको काटेंगे तो 256 * 2 कितना होता है, जी बिल्कुल सही, 512 होता है। उसके बाद हम फिर दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो दुनी चार, दो अठे 16, फिर हम दो से काटेंगे, दो से जब काटेंगे तो 64 * 2 कितना होता है, 116 होता है, सॉरी 128 होता है, फिर दो से काटेंगे हम, दो तियाई 6, दो दुनी चार, 32 * 2 = 64 आ जाएगा, फिर दो से काटेंगे 16 आ जाएगा हमारा, फिर दो से काटेंगे हम लोग 8 आ जाएगा, फिर दो से काटेंगे हम, एक मिनट इधर लाइन चल गई है, ठीक है ना, फिर हम यहाँ पर 16 को दो से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दो से काटेंगे तो कितना, 2 * 8 = 16 आ जाएगा, फिर हम दो से काटेंगे, 2 * 4 = 8 आ जाएगा, फिर हम दो से काटेंगे, 2 * 2 = 4 आ जाएगा, फिर दो से काटेंगे, 2 * 1 = 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे जो जोड़े बने हैं वर्गमूल होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है, ये क्या करना है आपको बताना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना है बस। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते ये हैं कि अगर हम 1024 के गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *
सेवन एट नाइन टेन, 10 बार है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 10 बार यहाँ पर भी हम करेंगे 10 बार, ठीक है ना। तो 10 बार जब करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक और बच गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 2। तो ये जो हमारे तो गुणनखंड हो गए हैं ना, ये जो हमारे गुणनखंड हो गए हैं, अब इन्हीं में हमको क्या करना है, 1024 का हमको निकालना था। तो 1024 बराबर
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इनके हम वर्ग ले लेते हैं, इनके हम वर्ग ले लेते हैं, इनके दो दो के जोड़े बना लेते हैं, तो कितने जोड़े बनेंगे साथियों? इनके बनेंगे 5 जोड़े, और प्रत्येक में से हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर गुणे का 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 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़े जो बन गए 5 बन गए, 5, ठीक है, 5 वर्ग आ गए हमारे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इनका पहले वर्ग, हमको वर्गमूल याद करना है, ठीक ना, वर्गमूल होगा कि नहीं होगा ये हमको बताना, तो इन पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो इनमें से हम एक एक ले लेंगे, यानी वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 2 बच जाएगा, इसका 2 इसका 2 इसका, यानी इसके जो स्क्वायर हैं वो हट जाएंगे, उसके बाद जो ये अंडर रूट लगा है ये भी हट जाएगा, तो 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32, यानी कि दोस्तों अगर हम यहीं से आंसर अपना निकाल सकते हैं, अगर हम ये इतना स्टेप ना करें, ये तो फालतू का स्टेप हो जाता है, ठीक है, समझाने के तौर पर मैंने आपको बता दिया था, हालांकि ये इतनी जल्दी क्या होता है कि बहुत साथियों को समझ में नहीं आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पर सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे दो जितने जोड़े बने हुए हैं, जितने हमारे जोड़े बने उतने हम 2 को लिख लेंगे, जैसे हमारे जोड़े बने 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32, ठीक है ना, तो 32, तो 32 दो तो हमारा इसका आ जाएगा, ठीक है ना, तो 1024 का वर्गमूल होगा, तो 1024 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा 1024 का वर्गमूल, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2025, जी हाँ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आप सभी के सामने दिया गया साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जी जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर आंसर देंगे सभी साथी कि क्या पूर्ण वर्ग संख्या 2025 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो, गुणनखंड विधि से वर्गमूल हमको ज्ञात करना है, चूंकि हमको दिया क्या गया है 2025 दिया गया है, ठीक है ना, 2025 दिया, तो इसका हम निकालेंगे जब, तो इसका निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये सबसे पहले 5 दिया गया, तो 5 से ही जाएगा, यानी 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 0 5 5 25 4 5 आ जाएगा, फिर 2 से हम काट, फिर हम कितने से काटेंगे, फिर हमारा 5 से कटेगा, तो 2 5 48 हो जाएगा, 5 1 5 81 5 4 5 हो जाएगा, फिर हम किससे काटेंगे, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 27 81 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 तराकी हो जाएगा, कितना 3 तराकी हो जाएगा, 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 2025 है, ठीक है ना, 2025 जो है इसके जो गुणनखंड निकल के आ गए हैं वो आ गए हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, यानी कि चूंकि हमको वर्ग ज्ञात करना, वर्ग में सभी को पता है 2 2 के जोड़े बनते हैं, घन में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो यहाँ पर 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो यहाँ से हम उठा लेंगे संख्याओं को, 1 संख्या 1 5 उठा लेंगे, 1 1 जोड़े से 1 1 संख्या उठा लेंगे 3, तो 5 3 15 15 3 कितना होता है, 15 3 होता है 45, ठीक है ना, 15 3 कितना होता है 45 होता है, क्लियर, यानी यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी वह पूर्ण संख्या 2020, पूर्ण वर्ग संख्या 2020 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, हमारा 45 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बनता है कि 19 21 तथा 7 का घन बताओ, यार इसका तो घन बहुत ज़्यादा आसान है, इसका जो घन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, घन बताने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था आपको 3 जोड़े बनते, 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर हम 19 का निकालेंगे 21 का निकालेंगे और 7 का निकालेंगे, तो 19 का निकालने के लिए घन बताना है, चूँकि आपको पता 3 3 जोड़े, यानी 19 गुणे 19 गुणे 19 बराबर कितना आ जाएगा वो हमको लिख देना, उसके बाद 21 गुणे 21 गुणे 21 इसका कितना आ जाएगा ये लिख देना है, 7 गुणे 7 गुणे 7 इसका लिख देना, यानी 19 19 19 के गुणा करा के लिख देना जितनी संख्या आएगी, 21 21 21 के गुणा करा के लिख देना जितनी संख्या आएगी, 7 7 7 का गुणा करा के लिख देना जितनी संख्या आएगी, ठीक है ना, तो यही हो जाता है हमारे, यानी 19 19 19 19 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 9 81 81 9 9 39 39, ठीक है ना, 68, जी हाँ
6859 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको गुणा करना अगर नहीं फास्ट है, आपका कैलकुलेशन नहीं फास्ट है, तो उसकी मैट्रिक आपको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ऑलरेडी अपलोड है कि फास्ट गुणा हम लोग कैसे करते हैं 2-3 सेकंड में, ठीक है। तो 21 एक 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 दो एक तीन, यानी एक 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 आ जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, दूना सोलह छः आ जाएगा, फिर दो 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 कॉमन दो आ जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ एक नौ आ जाएगा, यानी 9261 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप गुणा करेंगे जल्दी से तो निश्चित रूप से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, 7749 7343 होता है, ये तो सभी को पता है यार, ठीक है। तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर, यानी 21, 19 और 7 का घन बताओ, ठीक है। 21, 19 और 7 का घन आप लोग ऐसे लिख सकते हो। घन में बताया था मैंने आपको कि 3-3 के जोड़े बनते हैं, वर्ग में आपके 2-2 के जोड़े बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा तो दिया गया साथियों, जी हाँ, अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि गुणनफल विधि से 11664 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 11664 के वर्गमूल ज्ञात करना है और यही हो जाता है हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन, यही हमारा आज का लास्ट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त आपके लिए क्वेश्चन है, आशा करते हैं अच्छे से आप लोग आंसर भी देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि गुणनफल विधि से 11664 के वर्गमूल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसके हम वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे 11 6 6, एक मिनट यार, चलिए भाई देख लेते हैं हम लोग क्या 11664 11664। इसके हम सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है ना। इसके हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर काम ये करते हैं साथियों, यहाँ पर काम ये हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसका हम अगर गुणनखंड विधि से, जी हाँ साथियों, अगर इसका हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ये देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, ये हमारी सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि पीछे चार हमारे सम लगा हुआ है, तो पूरी की पूरी जो हमारी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी। जब यहाँ पर सम संख्या हो जाएगी तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी तो जब यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या हमारी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, फिर हम इसको किससे, फिर हमारी सम संख्या के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 9 18 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 5 और 8, यानी ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हमारा 2 से कट जाएगा, 2 से जब कटेगा तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 हासिल जाएगा तो यार 18 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 2 से फिर हो जाएगा, 1 मिनट, 2 से फिर नहीं होगा, फिर 3 से होगा, ठीक है ना। 3 2 6 हो जाएगा, फिर 3 4 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर ये किससे कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, 81 3 होता है 243। अगर आप इस तरह याद कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद जब 81 आ गया तो 81 हमारा सभी को पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 27 3 कितना होता है 81 होता है, फिर 3 से हो जाएगा, 9 3 27 होता है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9 होता है, फिर किससे कट जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो संख्या हमारी दी गई है 11664, इसके जो हमारे गुणनफल निकल के आएंगे, जो गुणनखंड निकल के आएंगे, वो कितने निकल के आएंगे, 2 × 2, वर्गमूल ज्ञात करना, चूंकि 2-2 के जोड़े बनाना है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर दोस्तों जोड़े देखते हैं हम लोग, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, 4 जोड़ा बन गया, 5 जोड़ा बन गया, यानी 5 जोड़े बन गए। अब इसमें से हमको एक एक संख्याएं निकाल लेना है, एक एक क्या निकाल लेना है, संख्याएं हमको निकाल लेना है। तो यहाँ पर एक संख्या निकालेंगे, 2 आ जाएगी, फिर गुड़े का 2, फिर गुड़े का 3, फिर गुड़े का 3, फिर गुड़े का 3, यानी 3 3 9 3 27 27, 2 2 4, तो 27 चौके कितना हो जाएगा, 27 चौके कितना होता है, 27 और 4 का जब गुणा करें, 2 2 4 3 12 12 3 36 36 3 कितना होता है, 108।
कितना हो जाएगा हमारा साथियों यहाँ पर 108 हो जाएगा। और सभी को पता है यार जो वर्गमूल होते हैं वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस अगर आप ऐसे लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा साथियों जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या 108, क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, यानी वर्गमूल ज्ञात करनी, इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 108 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना साथियों। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको पता है क्या करना होता है, ठीक है ना, वीडियो को क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, साथ में चैनल आपका दिया गया जो हाइफा स्टडी दिया गया इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।